मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं केआरबीएल लिमिटेड, जो कि एक राइस सेक्टर की कंपनी है, के ऊपर चर्चा करूंगा। यह कंपनी भारत के अग्रणी निवेशक मिस्टर अनिल गोयल जी के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। कंपनी बासमती चावल निर्यात करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यह चावल को अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मिडिल ईस्ट में, यूरोप, यूएसआर, कनाडा में निर्यात करती है। चावल के साथ साथ चावल से जुड़े दूसरे चीजें, जैसे एडिबल ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल भी कंपनी बनाती है, और सोडियम सिलिकेट और सिलिका जेल भी कंपनी बनाती है, जो एक फ्यूल एडिटिव के काम में आती है। कंपनी पावर भी जनरेट करती है और कैटल फीड, मतलब जानवरों के खिलाने के लिए चारे के हिसाब से भी धान के जो पेड़ हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। चावल के साथ साथ कंपनी ने हाल ही में दाल और शीशम के कारोबार में भी पैर रखा है, तो इनसे अतिरिक्त आय, भविष्य के ग्रोथ के लिए दोनों भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि चावल में पहले से ही कंपनी की एक तरह से काफी बड़ी भूमिका रही है। तो अगर हम केआरबीएल लिमिटेड देखें, ये राइस सेक्टर की कंपनी है। राइस सेक्टर एक रिसेशन प्रूफ सेक्टर है, इसलिए क्योंकि लोगों को चावल की जरूरत हमेशा ही पड़ेगी, और बासमती दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल में माना जाता है, तो इसकी खपत, ये एक क्या कह सकते हैं आप, जैसे स्टेटस सिंबल के हिसाब से भी इस्तेमाल होता है, कम से कम भारत में। दूसरी प्रमुख बात जो है कंपनी के बारे में, वह कि दाल और सीसम सीड से कंपनी अतिरिक्त आय या भविष्य में चावल के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए इन उत्पादों को भी ला रही है। साथ ही साथ ये चावल का ही उपयोग करके पावर जनरेट करना, फिर फ्यूल एडिटिव, इन सब चीजों से अतिरिक्त आय की भी तैयारी कर रही है। तो एक तरह से एक बेहतरीन कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसको आप अपने राडार पे रख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके पोर्टफोलियो के बाकी स्टॉक्स का भी विश्लेषण मैंने अपने वेबसाइट manipati.com पे किया है, और भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका आपको पता चल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरी खुद की रिसर्च है, और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।